गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज मेरे स्टूडेंट है जिनका जैसलमेर से इनको ग्रीन कार्ड मिला है, तो इनसे समझते हैं कि मेडिकल का क्या वहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, किस में ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट मिल रहा है, कितना उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है जैसलमेर में मेडिकल का। तो जिन भी बच्चों का मेडिकल जैसलमेर में होना है उस वीडियो से काफ़ी उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मुझे आप बताइए, सबसे पहले सुबह आप लोगों को वहाँ पर कितने बजे रिपोर्ट करना था? सर 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और हम लगभग 6 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। तो सारे बच्चे आए थे, 45 या कोई एब्सेंट था? सर मतलब पहले एक बार 40 बच्चे थे, लेकिन 5 बजे कहीं और चले गए, फिर वो भी आ गए, वो सेकंड गेट पे चले गए थे, लेकिन फिर वो भी आ गए, कुल मिला के 45 पूरे आए थे। तो इसमें आप लोगों को जाती डॉक्यूमेंटेशन में हुआ, डॉक्यूमेंटेशन चेक किए गए, आपकी जो मैट्रिक होती है आइडेंटिफिकेशन वो चेक की गई? हाँ सर, सबसे पहले तो वहाँ पर जाते ही स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जो भी गैजेट थे वो रखवा लिए गए, और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया, और वो कुछ डॉक्यूमेंट थे वो फॉर्म फिल करवाए गए, और फिर बाद में एक एक करके आधार वेरिफिकेशन हुआ, और फिर ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया? हाँ, पहले ब्लड सैंपल लिया गया एक ग्रुप का, तब तक दूसरे का यूरिन सैंपल ले लिया गया और चेक कर लिया गया, फिर ऐसे प्रोसीजर। देखिए ब्लड में तो क्या होता है, ब्लड यूरिन में अगर आपने कोई, जैसे आपको कहा जाता है कि एक नाइट पहले से आपको 10 बजे के बाद नाइट में कुछ नहीं खाना, तो अगर आप उस टाइम खा लेते हो तो आपको तो कोई शुगर का पॉइंट हो सकता है, एनीमिया का पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली 12 से 16 अपना जो अमीने का पॉइंट होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का इसके नीचे ऊपर होता है तो पॉइंट मिल जाता है। तो कुछ आपको लगता है यूरिन में, मेडिकल में, उसमें यूरिन में और ब्लड में कुछ बच्चों को पॉइंट मिले होंगे? ब्लड में इस बार मिल रहे हैं पॉइंट? सर ब्लड में तो शायद पहले तो जो नॉर्मल चेकअप होता है ना खाना खाने से पहले, उसमें तो किसी का भी नहीं था, खाना खाने के बाद में एक बंदे का वो शायद जेनेटिक प्रॉब्लम थी, तो उसके शुगर की प्रॉब्लम आई थी, और फिर उसका शायद तो वो पॉइंट मिला भी था। तो उसके बाद मेडिकल हो गया आपके, जिसमें यूरिन हो गया और आपके ये अपने ब्लड हो गया, उसके बाद नाश्ता कराया गया आप लोगों? हाँ सर, पहले ब्लड सैंपल ले लिया गया, फिर वो यूरिन सैंपल लिया गया, फिर उसके बाद में सबको नाश्ते के लिए बोल दिया गया, और फिर उन्हें बोला गया कि इससे आप गए, फिर शुगर के लिए ब्लड एक बार और जाँच की जाएगी। तो ब्लड उसके बाद खाना खाने के बाद भी ब्लड चेक हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको किस में लगे? फिर उसके बाद में सर सबसे पहले तो ये ईयरिंग वो यानी कि कान चेकअप किया गया, फिर 6x6 विजन चेक किया गया, दांतों में चेक किया गया, क्या क्या चेक, दांत के दांतों में आपके बिल्कुल दांत बिल्कुल 32 सही होने चाहिए, और बाहर से आपको क्लीन करा के जाने, तो जो भी अंदर पर मटेरियल होता है जो खाना के साथ चिपक जाता है वो क्लीन हो जाता है। दांतों में पॉइंट मिलता है लोगों को? दांतों में वो मतलब एक एक घर का स्पेसिफिकली जो डेंटिस्ट होता है वो चेक करता है और देखता है कि मतलब आपके नॉर्मल 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, अगर वो हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं है जैसे किसी के बाहर आए हैं और उससे भी कम है तो वो पॉइंट आपको देंगे। तो इसमें यह होता है कि दांतों का थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे है आपके या क्लियर नहीं है तो इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाता है, पर री मेडिकल में क्लियर हो जाता है, क्लिप क्लिप लगा के आप करवा सकते हैं। कान का मेडिकल एक काफ़ी सीरियस पॉइंट होता है, कान में अगर आपने वैक्स नहीं कराया तो वो उनको पर्दा नहीं दिखता, जज नहीं कर पाते कि आपके पर्दे में कोई बचपन से छेद तो नहीं है या कोई रिसाव तो नहीं है कान में, या मान लीजिए किसी के पर्दे लाल हो जाते हैं, क्लियर है, तो ये चीज़ें आपके चेक करते हैं। कान में पॉइंट मिलता है लोगों को इस बार, आपको लग रहा है कुछ मिला है जैसलमेर से? सर 3-4 को शायद मिला था, एक तो कुछ मतलब पर्दे पर छेद था और एक पर्दे पर वाइट स्पॉट था शायद, ये दो ही पॉइंट इम्पोर्टेंट। इस टाइप के पॉइंट क्लियर होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर ये जन्मजात होते हैं तो ये फिर क्रिटिकल रहता है, फिर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है। DNS का पॉइंट भी काफ़ी सीरियस, जिसमें नाप की हड्डी अगर आपके बाहर होती है अंदर से लाइट लगा के चेक करते हैं, DNS का पॉइंट अगर नॉर्मल है क्लियर हो जाता है, सीरियस है क्रिटिकल है तो फिर प्रॉब्लम। तो DNS का आपको लग रहा है इस बार DNS के पॉइंट मिले होंगे वहाँ से? हाँ DNS के भी पॉइंट मिले थे, वैसे तो सर है ना मतलब सपोर्टिव होते हैं सारे, लेकिन जो पॉइंट हैं वो तो सर जेन्युइन एक बार वो देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है सारे तो सेलेक्ट होंगे नहीं, किसी न किसी को तो बाहर होना ही पड़ेगा, फिर वो पॉइंट मतलब एक बार सबको रीचेक भी करते हैं, जो भी पॉइंट किसी को अननेसेसरी भी वो पॉइंट नहीं देंगे तो वो पूरी ध्यान से चेक करते हैं। चलिए कान को आप पहले दांतों को बताओ, दांतों को कैसे चेक करते हैं वो लोग? सर दांत को पहले बैठा दिया गया और पहले तो जबड़ा बंद करने के लिए कहा गया, फिर चेक किया गया, फिर खुलवा के चेक किया गया, फिर टीथ काउंट भी हुए थे, यही प्रोसेस था। राइट, तो और कानों को कैसे चेक करते हैं, लाइट डाल के? कानों में पहले तो वो ईयरिंग के लिए पेपर रखकर उस पर पेन से घुमाएंगे और फिर दूर से सुनेंगे, वो सुनाई दे रहा है तो आपका क्लियर है, नहीं सुनाई दे रहा है तो एक दो बार वो वापस ट्राई भी करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई दे रहा तो वो प्रॉब्लम है।
नाक को कैसे चेक करते हैं डीएनएस पॉइंट के लिए? वो सर लाइट डाल के चेक करते हैं, अगर नॉर्मल होता है ना तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं और वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन सर जो थोड़ा गहरा होता है, ज़्यादा पॉइंट होता है, वो पॉइंट वो देते हैं। अगर उन्हें लगता है 50% चांस भी हो ना तो वो पॉइंट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है शायद तक ये रिमेडिकल में क्लियर हो जाएगा, वो बोलते भी हैं। आंखों को कैसे चेक करते हैं? आंखों से लोग काफ़ी डरते हैं एयरफोर्स में, आंखें आपको क्या है प्रोसीजर इनके लिए, कहाँ तक आंखें उनको चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो लगभग 2 या 3 को ही आंखों का पॉइंट मिला था, और उनके भी 6x6 विजन वाले जो चश्मे के साथ 6x12 तक चल जाती है चश्मे के साथ। हाँ, चश्मे के साथ 6x12 तक चल जाती हैं, वो डॉक्टर से लिखवा के ले जाना पड़ता है, और अगर आपने लिखवा के ले गए तो आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन नहीं लिखवा के ले गए फिर आप चश्मा लगा रहे तो वो पॉइंट आपको देंगे, और फिर आपको रिमेडी के लिए मौका मिलेगा, तब तक आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी आँख के चश्मे के साथ 6x12 है तो आपको लोकल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ नहीं एक स्लिप होती है जिसमें डॉक्टर पूरे आपके आँखों की डिटेल लिख देते हैं, तो वो बहुत अनजान एरिया में वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये यहीं से लेके जाना होता है। आँखों में क्या करते हैं थोड़ा इसको डिटेल बताओगे, बच्चों के बहुत बड़े सवाल होते हैं। सर पहले तो 6x6 में चेक किया गया 6 मीटर दूर से, और वो अचानक से कहीं से भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा अल्फाबेट है, ये कौन सा वर्ण है। कितनी दूरी होती है? 6 मीटर। हाँ, 6 मीटर की होती हैं, वहाँ से पूछते हैं। अगर नॉर्मली एक पहले एक आँख से फिर दूसरी आँख से जो सही बता रहे हैं वो तो हाँ, फिर जैसे ही पूछ लिया अगर जो सही बता रहे हैं उसे तुरंत क्लियर कर देंगे, लेकिन जो नहीं बता पा रहा है तो उसे वो ट्राई करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन नहीं बता पाएगा तो उसे फिर वो पॉइंट मिलेगा। तो आपको एक चार्ट लगे होंगे, आगे 3-4 टाइप के चार्ट होते हैं, आपने कभी अगर एमएच गए हो, कभी अपने आँखों के किसी डॉक्टर को बाहर से भी चेक कराया, आपने देखा होगा 4-5 टाइप के चार्ट होते हैं। तो 6 फीट की दूरी होती है, वहाँ से आपको एक आँख बंद करके पढ़वाते हैं, क्लियर है? तो एक आँख बंद कर पढ़वाते हैं। अगर आप ओके होते हो 6x12 तक चश्मे के साथ चलते हैं, आँखों का थोड़ा बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आँखें आप क्लियर कर लोगे, थोड़ा डरना नहीं, बस नर्वस नहीं रहना, नॉर्मल सा रहना है। तो आँख, दांत, नाक और कान के बाद ये सब यही प्रोसीजर रहता है? हाँ, वो कान में मतलब एक बार वो इयरिंग हो गया, उसके बाद में वो लाइट से चेक करेंगे, वो कान के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है उससे चेक करेंगे वो। अगर वैक्स क्लियर है तो वो जैसे कि नॉर्मल वो वाइट स्पॉट हो गया या फिर पर्दे में छेद है तो वो पॉइंट देखेंगे, अगर वो हैं तो देंगे, नहीं तो शायद क्लियर कर ही देंगे। उसके बाद क्या होता है ये सब 4 पॉइंट होने के बाद? इसके बाद में तो सर वो 6x6 विजन के बाद में नियर विजन वाला और कलर विजन वाला चेक होगा। उसमें तो बिल्कुल कितने दूरी से कलर विजन चेक करवाते हैं? सर कलर विजन तो नॉर्मल जैसे कि 1 से 1.5 फुट दूरी से चेक होता है, कलर भी पूछते हैं कभी कभी, नॉर्मल वर्ड पूछ लिया वही अंक। कलर विजन होता है कुछ बच्चों को, एक्चुअली क्या होता है ये नेचुरल होता है, तो इसमें क्या होता है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो कुछ कलर होता है, जैसे दूर से उनको दिखाए तो उनको कुछ कलर में डिफरेंस नहीं होता, जैसे येलो हो गया, पिंक हो गया, क्लियर है? तो ये वो डिफरेंस नहीं कर सकते कि येलो है या पिंक है, ये रेड है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो ये डिफरेंस में बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल इतने पास एक किताब होती है वो आपको पढ़वाते हैं, तो अगर आपके कलर विजन नहीं है तो उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं या कुछ डॉट डॉट्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, अगर कलर विजन नहीं था वो क्लियर कर लेते हैं, कलर विजन तो आपको वहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखता। ओके, कलर विजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? फिर नियर विजन वाला चेक किया गया, लगभग 1 फुट की दूरी से वो नियर विजन पढ़वाया गया, उसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है और एक तरफ हिंदी में लिखा होता है, वो पढ़वाएंगे, अगर सही पढ़ रहा है तो उसे क्लियर कर देंगे, जो सही नहीं पढ़ रहा है उसे मौका देंगे कि ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद में तो सर ये नोकनी और ये एंगल चेक करेंगे, फिर और भी जैसे हाइट, वेट, वजन वो भी होगा, अलग अलग प्रोसेस। अच्छा, वेट में कितना मिनिमम, मतलब वेट में कितना आपको लग रहा है? 3-4 kg तक आपको छूट मिल जाएगी, अगर आपका वेट ज़्यादा है 3-4 kg आपको छूट मिल जाएगी, कम है तो भी 2-3, कम है तो आप केले और पानी पी के चले जाइए, ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है 4-5 kg से ज़्यादा है या 4-5 kg कम है तो आपको रिमेडिकल मिलता है, और मेडिकल में आज अगर वेट ज़्यादा है तो आप बहुत इजीली तोड़ सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, 3-3 टाइम रनिंग करनी पड़ेगी, जैकेट वैकेट पहन के और खाने पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो वेट, हाइट, चेस्ट में बंदे रिमेडिकल मिला होगा आपको लग रहा है? नहीं सर, मैं मिला था, लेकिन वो कुछ ही स्पेसिफिक बंदे थे जिनका बहुत ज़्यादा वजन हो रहा था या फिर बहुत ही कम वजन हो रहा था तो उन्हें मिला, जैसे 1 किलो या फिर 2 किलो का वजन का फ़र्क होता है ना, तो वो ऐसे भी सोचते हैं और वो उसे क्लियर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये कम कर लेगा 1-2 किलो या फिर 1-2 किलो, ये बढ़ा लेगा, उन्हें पता है। ट्रेनिंग में जाने के बाद तो आप देखते बंदे बिल्कुल फिट हो जाए, जैसे अग्निवीर के हमारे बच्चे आए मिलने के लिए, मैंने देखा वो बिल्कुल फिट है, पहले से भी ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ दौड़ा दौड़ा के आपकी एक्सरसाइज होनी फिट हो जानी है। तो इसमें आपकी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फ्लैंज होती है,
हाँ फिर वहीं पर हाइट हो गई, हाइट के बाद में वेट हो गया, और वेट में वो फिक्स क्राइटेरिया बता रहे हैं उसमें होना चाहिए लगभग। और उसके बाद में चेस्ट चेकअप होता है, चेस्ट में पहले वो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, और फिर 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुला होना चाहिए। 77 मांगते हैं फुला के, 82 मांगते हैं। और इसमें चार्ट का हाइट और वेट का चार्ट अपने टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाल रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वेट का काफ़ी बच्चों को रहता है पॉइंट, हाइट में तो नॉर्मल सबकी क्लियर ही होती है। उसके बाद क्या स्टेप रहता है फिर सर? वो मतलब एक लेग की लेंथ भी वो वहीं पर चेक करेंगे जहाँ पर हाइट वेट और ये सीने का फुलाव चेक होता है वहीं पर, फिर वो लिख देंगे और फिर आगे लेके जाएंगे एक्सरे के लिए। फिर हाँ वही वो पोजीशन बताएंगे आपको, थोड़ा ध्यान से वहाँ पर आपको अटेंटिव रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर अटेंटिव नहीं हो तो वहाँ पर आप अननेसेसरी पॉइंट ले लोगे, जो पॉइंट नहीं है वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। चेस्ट का जो एक्सरे होते हैं वो फेफड़े देखने के लिए और इनकी हड्डियाँ वड्डियाँ देखने करते हैं, कोई अगर आपकी हड्डियाँ टूटी हुई या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए चेस्ट का ही। हाँ वही होता है, वही रीजन है, और वो आपको पोस्चर बताते हैं, बस ध्यान से वो पोस्चर फॉलो करके उसी पोस्चर में खड़े रहना है। उसी वक्त होता है? हाँ इसी जी सर, या कभी जैसे एक ग्रुप का पहले हो रहा था एक ग्रुप के बाद में हो जाएगा, तो वो चलता रहता है बीपी और ECG। ये एक चेस्ट पे दो चार पांच चेस्ट पे लगाते हैं, एक हाथ पे, एक साथ पे, दो पाँव पे। हाँ वो जैसे लग गई दो पाँव पे लगेगा, दो हाथ पे और चार या पांच लगेंगे सीने के आसपास पे, मतलब यहाँ पर सीने के आसपास ही लगेंगे लगभग। आपने देखो फिल्मों में देखा वो कोई अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके चेस्ट पे लगे होते हैं, ऑयल लगा के वो चिपका देंगे चार पाँच चेस्ट पे, दो हाथों पे, दो पाँव पे। इसी जब ब्लड प्रेशर जब नापते हैं वो केवल आपके नर्वसनेस के कारण, डर के कारण पॉइंट आ सकता है, बाकी इसमें 18-20 साल बच्चे के कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आप डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, अननेसेसरी सोचते हो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और उस चक्कर में आपको ECG का या ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिल सकता है, अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलता है। पॉइंट जो जेन्युइन हो सकता है वो DNS का हो सकता है, उम्र से या ब्लड में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो बाकी शुगर वगैरह ये तो खाने से ऊपर नीचे आ जाती है, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया और कुछ खा लिया बीच में तो गड़बड़ हो जाती है, आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया तो गड़बड़ होती है, बाकी ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती है। कान का भी वही, अगर फटे हुए कोई पर्दे में छेद है जेन्युइन है बचपन से तो प्रॉब्लम होती है, बाकी आज कोई भी आपको पता है कि नॉर्मल। एयरफोर्स का मेडिकल आप आर्मी से कंपेयर ना करें, एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा लाइट होता है। उसके बाद क्या रहा आपके प्रोसीजर सर? BP में लगभग सभी क्लियर हो रही थी, लेकिन कुछ बंदों में जैसे प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्हें बोला गया आप पहले पानी पियो, आराम से बैठो, आपको घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं उससे BP बढ़ जाती है, और कोई जिसे किसी नॉर्मल की किसी कम हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें मौका देंगे दो बार तीन बार चेक करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं हो रहा तो मतलब उसकी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो वो पॉइंट देंगे, अगर नहीं है तो वो फुल सपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे, लगभग क्लियर हो ही जाते हैं सर वहीं पर। ओके, उसके बाद क्या होता है? BP के बाद फ्री हो जाते हैं। अच्छा आपके ये कोने का पॉइंट चेक किया होगा, इसमें खड़ा करके चेक किया? हाँ नोकनी का चेक किया था, उस वक्त पहले लेके गए अलग अलग ग्रुप होता है, तो एक ग्रुप को लेके गए फिर सीधा खड़ा कर दिया गया और ये नोकनी का पॉइंट चेक किया गया। वैसे दूर से चेक करते हैं, अगर किसी को उन्हें डाउट है तो उसे वो सख्ती से चेक करेंगे, और उसका होना भी चाहिए सर क्योंकि वो पॉइंट हो सकता है। और फिर नहीं नॉर्मल जैसे कि दूर से देखते हैं, अगर आप उन्हें लग रहा है एक उंगली अगर सीधी निकल जाएंगी ना तो वो पॉइंट नहीं है। अगर कैसे खड़ा करते हैं आप, एक बार बच्चों को दिखाएं आपका कैसे, जैसे आप खड़ा होकर यहाँ दिखाते हैं तो कैसे चेक किया होगा उन्होंने? लगभग ये इतनी दूरी बीच में होनी चाहिए मिनिमम, अगर इतनी दूरी नहीं है नहीं एक से डेढ़ मिनिमम होनी चाहिए, एक से डेढ़ उंगली तक मिनिमम होनी चाहिए इससे। हाँ यहाँ पर ये पास में ही रखे थे पाँव, और फिर जैसे कि किसी पे शक हो ना तो उसे नीचे झुका कर चेक करेंगे, उससे क्या वो दूर भी नहीं कर सकता पाँव, तो ये चलिए। उसके बाद ये पीछे नाड़ियों का भी पॉइंट चेक करते हूँ। हाँ ये पहले वो बोलेंगे पंजे पे जंप करो, पंजे पे जंप करने के बाद में फिर वो देखेंगे एक एक करके लाइट डाल कर पीछे, फिर अगर किसी को लग रहा है तो वो आराम से देखेंगे और फिर उसे पॉइंट अगर है तो देंगे नहीं तो नहीं। ओके, हाथों को इस एंगल से भी चेक किया होगा, इसमें कुछ बच्चों को पॉइंट मिला क्या सर? इसमें तो नहीं मिला था। अच्छा हाथ कैसे सीधे कराते हैं वो लोग? हाथ सर ये मतलब नॉर्मल सीधे रहें करवाएंगे, ये उंगलियां खुली करवा के, तब अगर आप अगर पॉइंट है तो वो सीधा दिख जाएगा, अगर नहीं है तो वो क्लियर कर देंगे, और अगर उन्हें शक होगा तो वो स्केल से चेक करेंगे और वो कौन मापेंगे, तो वो यही सारा प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और?
तो इसके अलावा तो सर मुझे याद तो नहीं। आप ये बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आपके जो भी फ्रेंड्स जा रहे हैं अभी मेडिकल के लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेडिकल का प्रोसेस है तो वो उनकी ड्यूटी है और वो उन्हें करनी पड़ेगी, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और उन्हें हेल्प करनी है। जो भी वो बोल रहे हैं सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे तो इजीली आपका काम भी हो जाएगा और आपको घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या, इससे जब घबराओगे तो बीपी में या फिर ईसीजी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत शानदार बोला इन्होंने, आपको सिर्फ घबराना नहीं, डरना नहीं, बाकी पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेडिकल के प्रोसेस में। धन्यवाद।